हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं सुबह सुबह आ गया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। ये देख रहे हो और टाइम देख लो आप लोग, 7:04 AM। तो अभी अच्छा मौसम है, गर्मी ज़्यादा नहीं है इस टाइम, एंड काफ़ी बढ़िया लोकेशन पर आया हूँ मैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मस्त 1000 किलोमीटर कम्प्लीट होने के बाद रिव्यू वीडियो बनाऊँ। बिकॉज अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियोज़ में अपनी बाइक ने कर लिए थे 1000 किलोमीटर कम्प्लीट, एंड अपनी यामाहा R15M की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। एंड अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ मैं 1000 किलोमीटर कम्प्लीट होने के बाद अपनी बाइक यामाहा R15M का रिव्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, अपने ओपिनियंस, कैसा मैंने फ़ील किया, कैसा मैंने एक्सपीरियंस किया इस बाइक को 1000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो बॉडी एकदम परफेक्ट है, कोई भी आवाज़ खटर पटर वगैरह, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इस बाइक को और मुझे कोई भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं हुआ बॉडी में। सो बॉडी इज़ ओके, सब कुछ बढ़िया है। मिरर्स एकदम बढ़िया है, अच्छा व्यू मिलता है, आपको दिख सकता है रियर व्यू काफ़ी बढ़िया मिलता है मिरर से, मेरे लिए ओके हैं। एंड जो इसके मडगार्ड वगैरह हैं, बिल्ड क्वालिटी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आराम से राइड करते हैं, बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखते हुए अपनी बाइक का, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम बढ़िया चलेगी। अब बात करते हैं इंजन की और पावर की। तो मैंने इसको ज़्यादा तेज़ नहीं भगाया है अभी, मतलब 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने तक, फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने भगाया है। अगर मैं आपको बताऊं तो 1000 किलोमीटर होने तक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया इंजन ने, पावर में कोई भी कमी मुझे फील नहीं हुई। एंड मैंने स्कूटी से स्विच किया है बाइक में, तो मेरे को तो भाई मस्त पावर मिल रही है, एकदम मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में, एकदम फन राइड हो रही है। अच्छा पिकअप है, अच्छा टॉर्क है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग चाहो तो आप ले सकते हो इस बाइक को और ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरे लिए पावर एकदम परफेक्ट रही, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी लैग नहीं हुआ पावर में। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है, एक्सीलेटर एकदम मस्त काम करता है, क्विक रिस्पॉन्स है। तो पावर एकदम बढ़िया, इंजन एकदम बढ़िया, रिफाइंड इंजन है, कोई भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होती कहीं पर भी। मैंने इसको बहुत तेज़ भी चलाया है, मतलब 70, 80+, 90+, 100 तक गया हूँ मैं लास्ट टाइम पर जब मैं सर्विस के लिए गया था, तो कोई भी मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ, एकदम मस्त चली स्मूथ एकदम। तो इंजन पावर सब बढ़िया। एंड गाइस, जब पावर की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत बड़ा चेंज इसमें फ़ील किया है फर्स्ट सर्विस होने के बाद, मतलब 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई, तो चेंज इसमें काफ़ी आया है। और वो चेंज ये है कि पहले ये गाड़ी बहुत हैवी चल रही थी, मुझे फ़ील होता था कि गाड़ी खुल के नहीं भाग रही है, बट अब जो मैंने सर्विस करवा दी है तो अब थोड़ा हल्का लग रहा है, मतलब गाड़ी खुल के भाग रही है एकदम ओपनली, बहुत फ्री लग रहा है मुझे थ्रॉटल इसका। सो मज़ा आ रहा है राइड करने में, पहले बहुत हैवी चलती थी ये, तो कुछ चेंज तो आया है गाइस, आई डोंट नो, ऐसा मेरे साथ ही हुआ है या आपके साथ भी होता है। जो लोग देख रहे हैं जिनके पास R15M है या R15 है कोई सी भी V4 वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को ये फ़ील हुआ था या हुआ है। तो मुझे तो हुआ है गाइस फ़ील, फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी काफ़ी खुल गई है, मतलब अच्छा चल रही है एकदम फ्रीली हर गियर में। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स ही भाई एक नंबर है, फ्रंट ब्रेक तो भाई क्या कहना, जहाँ पर आप ब्रेक दबाओगे वहीं पर गाड़ी रुक जाएगी, तो फ्रंट ब्रेक एकदम मस्त है मेरे अकॉर्डिंग। रियर ब्रेक मैं आपको पहले बताया था वीडियो में 500 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद कि इसके रियर ब्रेक पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, रियर ब्रेक एकदम मतलब नो रिस्पांस, कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है इसका, खाली ये सपोर्ट के लिए है फ्रंट ब्रेक के। अगर आप बहुत तेज़ स्पीड में हो तो रियर ब्रेक आपको सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है रुकने में। बाकी अगर आप हाई स्पीड में रियर ब्रेक यूज़ करते हैं सिर्फ, तो इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो है, इस पर भरोसा मत करना, रुकती नहीं है बाइक बिल्कुल भी, काफ़ी लेट में रुकती है, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है फ्रंट ब्रेक के और इंजन के। एंड अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो फ्रंट में आपको मिलते हैं KYV के सस्पेंशन, तो काफ़ी बढ़िया इनका रिस्पांस है हाईवेज़ पर, ऑफ रोडिंग में बिल्कुल मस्त परफॉर्म करते हैं। मैंने इस बाइक को हर जगह चला लिया अभी तक 1000 किलोमीटर कम्प्लीट होने तक, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है इनका, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, एकदम स्मूथ है फ्रंट सस्पेंशन, सारे बम्प्स खड्डे वगैरह ईजिली एब्जॉर्ब करता है ये, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी अब चलते हैं पीछे। एंड अब बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। तो ये काफ़ी बढ़िया है हाईवेज़ और अच्छी रोड्स पे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है इसका, लेकिन ऑफ रोडिंग में आपको बहुत स्टिफ फील होगा, बहुत झटके पड़ेंगे कमर में और हाथों में दर्द हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। रियर सस्पेंशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सो अब बात करते हैं गाइस इसकी सीट की। तो सीट मेरे लिए कम्फर्टेबल रही, राइडर सीट जो है मेरे लिए तो एकदम मस्त रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई चलाने में, एकदम कम्फर्टेबल रही, मेरा अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग जज मत करना कुछ भी। एंड पिलियन सीट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज मैं पीछे बैठा नहीं हूँ अभी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बाकी जिनको भी मैंने पीछे बैठाया तो उन्होंने कहा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झटके वगैरह नहीं पड़ रहे हैं, बट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज हाइट पे है बहुत सीट, तो दिक्कत हो सकती है बैठने में पीछे पिलियन सीट पर, बाकी सब ओके है।
एंड अब बात करते हैं फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया है, 11 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्यूल भरो, मज़े करो, राइड करो। एंड गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी वीडियो के साथ साथ में आप लोगों के लिए माइलेज टेस्ट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत डिमांड आई है माइलेज टेस्ट की। तो मेरी वीडियो बन रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसका जो फ्यूल है ये देखो एम्प्टी होने वाला है। तो बस अब जैसे ही ये रिव्यू वीडियो बन जाती है उसके बाद मैं माइलेज टेस्ट की वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए लगातार मेरा काम चल रहा है वीडियोज़ पे, तो आप लोग सपोर्ट करते रहना। फिलहाल अभी बात करते हैं बाइक के बारे में, तो मीटर की बात करते हैं सीधा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइस इसका मीटर, तो इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। तो मीटर के बारे में आपको बता दूँ मैं, इसमें सब कुछ बढ़िया है, सारे फीचर्स हैं, सभी डिटेल्स मिलती हैं आपको, हर तरह की ओडोमीटर वगैरह, कूलेंट टेम्परेचर सब कुछ मिलता है इसमें आपको, गियर पोजिशन इंडिकेटर, TCS वगैरह। तो इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके ज़रूर देखना। तो मीटर एकदम ओके है। अब करते हैं बात इसके हैंडल बार की और राइडिंग पोस्चर की। तो भाई इसके बारे में क्या ही कहना, स्पोर्ट बाइक है और सबसे सस्ती स्पोर्ट बाइक है, सबसे कम CC की। तो इसका हैंडल बार आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो इसका सीटिंग पोस्चर है बहुत ही अग्रेसिव है, हाथों में बहुत पेन होता है गाइज, ये बात आप याद रखना हमेशा। चाहे आप कितना भी इस बाइक को चला लो, कितनी भी आपको हैबिट हो जाए इस बाइक को चलाने की, लेकिन आपके हाथों में ज़रूर पेन होगा। अगर रोड्स अच्छी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चला लोगे। काफ़ी लंबा 100-200 किलोमीटर मैंने चलाया है इसको कंटिन्यूसली, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बट अगर ऑफ रोडिंग आती है, ऑफ रोड आता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है ऑफ रोड में, बिकॉज बहुत ख़तरनाक पोस्चर है इसका, बहुत झुक के बैठना पड़ता है, बहुत अग्रेसिव पोस्चर है, तो हाथों में बहुत लोड पड़ता है। और अगर आपके पीछे पिलियन बैठ जाए फिर तो क्या ही बोलना, हालत ख़राब हो जाती है गाइस। तो ये बात हो गई राइडिंग पोस्चर की इसके, और हैंडल बार की, क्लिप ऑन हैंडल बार है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके गियर की, क्विक शिफ्टर की। यहाँ पर लगा इसका क्विक शिफ्टर, आपको दिख रहा होगा ये। तो मेरे अकॉर्डिंग अब तक मैंने जितना भी राइड किया इसको, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा क्विक शिफ्टर का। मैं प्रॉपरली यूज़ करना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, अच्छे से मेरे को आ गया है, बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी प्रॉपरली राइड करने, बिकॉज यहाँ पर रोड्स नहीं है अच्छी, तो बहुत ज़्यादा गियर यूज़ करने पड़ते हैं, क्लच यूज़ करना पड़ता है। क्विक शिफ्टर का रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया, अभी नई बाइक है, 1000 किलोमीटर चली है, तो मेरे अकॉर्डिंग एकदम मस्त चल रही है। फिलहाल अब बात करते हैं इसकी लाइट्स वगैरह की। तो रात के टाइम पे भाई लाइट्स का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, मैंने नाइट राइड किया इसको, बहुत ख़तरनाक अंधेरे में भी राइड किया, शाम के टाइम भी राइड किया इवनिंग में, तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। स्विचेस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया हैं, मैन्यू कंट्रोल के स्विच भी काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है इनका भी। सो लाइट्स वगैरह सब ओके, इंडिकेटर वगैरह सब बढ़िया। अब क्या रह गया, कुछ रह गया। यस, अब बात करते हैं इसके हीटिंग इशू की, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए कि हीटिंग के बारे में बताओ। तो हीटिंग के बारे में आपको क्या बताऊं मैं गाइस, बिकॉज अभी नई बाइक है, नई बाइक में हीटिंग को जज करना ठीक नहीं होता है। हीटिंग होती है हल्की सी, ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत है गाइस कोटद्वार में अपने, और मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, तो ऑफ रोडिंग में आप समझ सकते हो गाड़ी में हीट होना आम बात है। बाकी हाईवेज में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होती है, मस्त टेम्परेचर कंट्रोल करती है गाड़ी, रेडिएटर फैन का रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया है इसके। वीडियो में बोल दे एक बार, हाय कर दे यार। हेलो, कैसी है बाइक? मस्त लग रही है भैया। तो देखो भाई, तो चलो ठीक है, ओके बाय भैया। ओके बाय। तो हीटिंग के बारे में बात करते हैं, जो इसका रेडिएटर फैन है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। ऑफ रोडिंग में मैंने बहुत बार इसको खतरनाक तरीके से चलाया है, मतलब ऑफ रोडिंग बहुत खतरनाक वाली है कोटद्वार में और लाडलांग की रोड पर, तो वहाँ पर भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा रेडिएटर फैन का। जैसे हीटिंग होती है बाइक में 99-95 तक पहुंचता है टेम्परेचर, तो इसका रेडिएटर फैन अपने आप ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, सो काफ़ी बढ़िया रहता है और जल्दी से कूल कर देता है बाइक को। हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है इस बाइक में, तो आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो, जितना तेज़ भगाना चाहो भगाओ आप इस बाइक को, एकदम मस्त चलती है। तो सारी बातें हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड कुछ रह नहीं गया है, दैट्स इट। टायर्स गाइस, टायर्स रह गए इसके, तो टायर्स का रिस्पॉन्स एक नंबर है गाइस, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बट एक प्रॉब्लम हो रही है, आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो मेरे बाइक के टायर का इतना पार्ट है ये बहुत वेस्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर रोड्स नहीं है मेन चीज़, तो ये पार्ट और इस साइड का ये पार्ट बहुत वेस्ट हो रहा है, इसको लीन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, राइड नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, तो आप लोग समझ सकते हो ऐसी स्पोर्ट बाइक्स के लिए, इनको भगाने के लिए बहुत अच्छी रोड चाहिए जहाँ पर आप इनको लीन कर पाओ प्रॉपरली, टायर्स का यूज़ कर पाओ। ऐसे ही फ्रंट में भी हो रहा है, ये देखो इतना पार्ट यूज़ नहीं हो रहा है, खाली मिडिल का पार्ट यूज़ हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक ड्रॉबैक है गाइज़, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत लॉस होगा मुझे टायर्स में। तो फिलहाल ये थी गाइज़ आप लोगों के लिए 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद अपनी यामाहा R15M की रिव्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ बच गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। तो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब जा रहा हूँ मैं माइलेज टेस्ट करने,
अपनी बाइक का, और आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो रहेगी इस वीडियो के बाद वाली माइलेज टेस्ट की वीडियो। सो आप लोग ज़रूर देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो, जय हिंद, कीप सपोर्टिंग। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, वहाँ भी रील्स वगैरह देखो, फोटोज़ देखो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोगों के लिए मैं वहाँ पर भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली और मज़ेदार वीडियोज़ बनाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोगों के लिए, तो कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।